आज इंडिपेंडेंस डे है, 78 साल हो गए, मगर आज भी महिलाओं को जैसे एक चीज से आजादी नहीं मिली। सिर्फ पिछले एक साल में 4.5 लाख क्राइम्स रजिस्टर हुए हैं महिलाओं के विरुद्ध, सिर्फ एक साल में। और ये तो वो है जो रिपोर्ट किए गए हैं। हर 51 मिनट में एक क्राइम होता है महिलाओं के खिलाफ। आप बताओ, आज भी क्या आप अपनी बहन बेटी को अकेले रात में कहीं जाने देने में सुरक्षित महसूस करते हो? कल निर्भया थी, आज कोलकाता की एक रेसिडेंट डॉक्टर है, कल कोई टीचर हो सकता है, कोई लॉयर हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। क्या आप अपनी बहू बेटी को अकेले किसी गांव में या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट करने दोगे? ऐसी जगह पे जहां कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई रेस्ट रूम नहीं, कोई रेस्ट नहीं, पेशेंट्स की भरमार है और फ्रस्ट्रेटेड पेशेंट्स के साथ वाले रिलेटिव्स, और ऊपर से बहुत ही गंदा टॉक्सिक सीनियर वर्क कल्चर। सोचो जरा, अगर कोई लड़की अपने वर्क प्लेस में सेफ महसूस नहीं करती तो वो क्या करे? काम छोड़ दे या किसे बोले? क्या कोई नंबर है, कोई हेल्पलाइन है जहां वो फोन करे और कोई अथॉरिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन आके मेक श्योर करे कि वहां कम से कम सीसीटीवी कैमरा हो, सिक्योरिटी हो? अगर ऐसा कोई नंबर नहीं है तो क्यों नहीं है? कोरोना के टाइम पे 2 दिन में पूरी इंडिया में पीपी किट, N95 मास्क हर डॉक्टर के पास आ सकते हैं, तो सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी गार्ड में क्या इससे ज्यादा पैसे लगते हैं? ये सिर्फ डॉक्टरों की बात नहीं है, ये बात सबकी है, ये आपके घर की बेटी की बात है। प्लीज कुछ करो, चुप मत रहो।